और अगर आज आप उस बुद्धि ज्ञान और समझ को तुच्छ समझ रहे हैं तो कल आप अपने माता पिता के लिए कलंक का कारण भी बनेंगे। तो खा के खत्म करेंगे तो सब कुछ क्या हो गया, खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। हम लोग देखते हैं बहुत सारा जानवर हैं ना, जंगल में बहुत सारा जानवर मिलते हैं। एक दिन मैं इंटरनेट में देख रहा था, एक चूहा, वो अलग तरह का चूहा, भुनी चाहे कटिया का दिया, वो इन्हीं चिका है ससन ससन सेन तना है। अगर आजा दुश्मन को चाहे शत्रु को हिजुक तना को इन्हीं फुटबॉल लेका गोल भाई के नौका है। एक तरह का चूहा है, जब वो जानता है कि उसके जीवन में खतरा है, मुसीबत है, तो वो क्या करता है, अपने आप को ऐसे गोल बना देता है फुटबॉल के जैसे, और वो जानवर आएगा देखेगा कि ये क्या है, इसे लात मारेगा ना तो उधर वो लुढ़कते चला जाएगा। लेकिन वो तब तक, जब तक कि उसके जीवन को खतरा नहीं है, खतरा डाल नहीं गया, तब तक वो वैसे ही गोलाकार ही रहता है। वो चूहा भी अपना बुद्धि इस्तेमाल करता है और अपने जीवन को बचाता है, ठीक है। इसलिए बुद्धि हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग क्या करें, अपना जीवन को बचाएं। कभी कभी हमारे जीवन में सब कुछ जब खत्म हो जाता है, हमारा शक्ति खत्म हो जाता है, ताकत खत्म हो जाता है, पैसा भी खत्म हो जाता है, उपाय भी खत्म हो जाता है, तो हम सबों को कौन बचाता है, बुद्धि, सेना, ठीक है। इसलिए बुद्धि जरूरी है कि नहीं, बुद्धि जरूरी है। इधर माता पिता लोग बैठे हैं, सभी बच्चों को कहाँ भेजते हैं ज्ञान और बुद्धि हासिल करने के लिए, स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? लेकिन बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते हैं ना। इधर अभी स्कूल कॉलेज कहाँ कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु अभी सभी माता पिता इतना जागरूक हो गए हैं कि बच्चों को कहाँ भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं। इसलिए आज इस संडे स्कूल दिवस के अवसर में मैं सभी बच्चों को, जितने यहाँ सुन रहे हैं सभी बच्चों को, जवान युवतियों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहें, बुद्धि, सेना, विजडम। बुद्धि अगर हमारे पास रहेगा तो हम लोग कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी समस्या हो, कैसे भी चुनौतीपूर्ण या संकट और मुसीबत का समय हो, हम लोग क्या हो सकते हैं, वहां से बच सकते हैं। और जिस समय जैसा बुद्धि आवश्यक होता है वैसा बुद्धि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब जैसा जरूरी है वैसा हम लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, तो उस अपने आप को बचाने का जो टेक्निक है या तरीका है उसी का हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। इसलिए सभी को ध्यान दीजिए, आज आपके जीवन में उस बुद्धि की कामना करने के लिए सभी को लगे रहे। मैं अंत में बताऊंगा वो बुद्धि हमें कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, परंतु उसका जो उद्देश्य है आज के इस वचन में कि बुद्धि हम लोगों को क्या करेगी, रक्षा कहा। और दूसरी बात यहां कह रहा है कि बुद्धि को मैं पढ़ता हूं, उससे प्रीति रख वह तेरा पहरा देगी। उससे प्रीति रख वह तेरा पहरा देगी। प्रीति कहने से क्या है, प्यार करना या पसंद करना। तो हमारे जीवन में हम लोग बहुत सारा चीज को पसंद करते हैं ना। अभी मैं एक पादरी हूं, मैं क्या पसंद करूंगा, पादरी लोग क्या पसंद करते हैं, मांस मंडी बांध की पादरी भाई जाना ही पादरी को के मांस मंडी जोर जोर नाम हुआ। लेकिन यहां हम लोग देखेंगे बुद्धि वो हमारा, अगर बुद्धि का हम लोग पसंद करेंगे, प्रेम करेंगे, प्रीति रखेंगे, तो वह हमारा पहरा, पहरा कहने से गार्ड या वॉचमैन
तो आज हमारे जीवन में हम लोग किसको पसंद करते हैं? यहाँ हम लोग संडे स्कूल दिवस आए हैं ना, अभी के समय में अगर मैं पूछूंगा आपको क्या पसंद है, क्या पसंद होगा? अभी गर्मी है तो शायद आइसक्रीम पसंद होगा ना। हम लोगों को भी नाग बाबू खिलाए इसलिए धन्यवाद देते हैं, आइसक्रीम हम लोगों का पसंद का आ गया। बहुत सारे अभी हम लोग क्या पसंद करेंगे, काश हम लोगों को बहुत अच्छा ठंडा मौसम आता ना, सभी कोई अपना व्यक्तिगत पंखा चला रहे हैं। तो बुद्धि का अगर हम लोग प्रेम करेंगे तो वो हमारा क्या करेगी, पहरा देगी। मनुष्य अपने जीवन में हर समय हर परिस्थिति में किसी ना किसी चीज को प्रेम करता है, किसी ना किसी चीज को वो पसंद करता है। परंतु वचन कह रहा है आज हमें सब चीज से प्राथमिकता किसको देना है, बुद्धि। बेकार सेना से अब जिदा में जाना को बा धड़ी हो आची सेना अगर बनवा तो अब के डोंडो का दिया को बा, ये बुद्धू आदमी है, मूर्ख है, वैसे ही बोलते हैं ना। यहाँ पाके बुद्धि नहीं नो ता क्या मैं कहाँ आ गई, ये भोकुआट है किसी नहीं जान से ना, ता संगे सांग लग सो नहीं लग सो ना, सांग लग बार पसंद भी नहीं लग सी, लाज लग सी। जेंसी ने भी से यहाँ ने बुद्धि नहीं नो से कहाँ करवा उल्टा पलटा कथा करवा। एक बार मेरा मामा का बेटा हम लोग का दादा का लोटा पानी हो रहा था, लोटा पानी में तो कभी कभी मजाकिया वाला सवाल पूछते हैं ना, और वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो जो गाती कोड़ा दोनों अगल बगल में है वो लोग सिखा दिए कि आपको अगर पूछेंगे पहला सवाल ऐसा पूछेंगे तो ऐसा बताना, दूसरा सवाल ऐसे पूछेंगे तो ऐसे बताना, तीसरा सवाल ऐसे पूछेंगे तो ऐसा बताना। तो वो जो पूछने वाला था प्रचारक वो नाम से शुरू होता है, वो दूसरा तरफ से पूछ दिया आपका पास्टरेट का नाम क्या है, तो वो तो कंठस्थी है ना, नाम पूछते हैं तो अपना नाम फ्रांसिस सोरेंग था, तो फ्रांसिस सोरेंग उसको याद है जो भी पूछे उधर, तो आपका पास्टरेट का नाम क्या है बोलने से फ्रांसिस सोरेंग। अगर बुद्धि नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही होता है ना। ओकना अब के सिखाओ का बुआ को एना के का जी अब अटो बुद्धि में ना सेना में ना होले अब सवाल चिना कुली होता ना एना के सारी धड़ी अब कहाँ पचारू छन हमके कहाँ उत्तर देवार अच्छे बुद्धि अच्छे बोले हमें कहाँ करमा निजे भावी परमा आ नहीं हेले तो जेन टाइम के बोते छन सही टाना कहमा केनता आ गया माने हेतिर लगी बुद्धि अमर लगी जरूरी है। बुद्धि के जरूरी है तो सेकेंड लाइन रखो छे आज ही हमके बुद्धि के प्रेम करवार अच्छे बुद्धि के पाएबार लगी हमके चाहबार अच्छे। बुद्धि कहाँ मिलती है मैं कहा कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स में नहीं मिलेगा, दुकान बाजार में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, तो बुद्धि कहाँ मिलेगा? सबसे पहले हम लोग देखे परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो जब तक हमारा कनेक्शन किसके साथ नहीं होगा, परमेश्वर के साथ नहीं होगा, तब तक हम लोगों को क्या नहीं मिलेगी, बुद्धि नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर के साथ कनेक्शन होने के लिए हम लोगों को क्या करना है, कहाँ करना है, परमेश्वर संगे हमारे कनेक्शन है बा केन सिम कार्ड ने मा एयरटेल जियो केन केन टा काम करवा। परमेश्वर के साथ अगर हम लोग कनेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि बुद्धि तो वहीं से मिलेगी ना, हम लोगों को क्या करना है, 10 आज्ञा का चौथी आज्ञा में क्या कहता है, विश्राम को पवित्र रखना मत भूल। अर्थात हम लोग जब तक गिरजाघर नहीं आएंगे, गिरजाघर में किसकी उपस्थिति रहती है, परमेश्वर का उपस्थिति, उस उपस्थिति में जब तक नहीं आएंगे हम लोगों को बुद्धि या समझ नहीं मिलेगी। मिल सकता है नहीं, इसलिए सबसे पहला हम लोगों को बुद्धि पाना है तो उसके लिए कहाँ आना है, परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात आराधना में शामिल होना जरूरी है। दूसरी बात है परमेश्वर की उपस्थिति के बाद हम लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं को परमेश्वर का वचन को मानना जरूरी है। जहां परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं परमेश्वर का वो वचन कहाँ है, कहाँ है, बाइबल। कितने कोई लाए हैं बाइबल,
ठीक लाना है। जब जब हम लोग सम्मेलन आते हैं, गिरजा आते हैं, सब समय हम लोगों को क्या करना है, बाइबल को लेकर के चलना है ना। अगर बाइबल नहीं लाएंगे तो हम लोगों का ध्यान भटकेगा, हम लोग बुद्धि नहीं पाएंगे, लेकिन दुकान बाजार में जो बिक रहा है उसको हम लोग पाएंगे, लेकिन उसको खा के खत्म करेंगे तो सब कुछ क्या हो गया, खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। लेकिन अगर बाइबल हमारे साथ रहेगा, बाइबल की बातों को हम लोग समझेंगे, बुद्धि प्राप्त करेंगे, तो हमारे जीवन के अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक वो क्या करेगा, काम कर सकता है, हमारे लिए लाभ दे सकता है। एक उदाहरण दूंगा परमेश्वर का बुद्धि कैसे काम करता है। आजकल हम लोग स्कूल पढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा आज हमारे लिए कंपलसरी हो गया, लेकिन यहाँ जो सबसे बुजुर्ग कौन बैठे हैं, या तो उनसे पहले हम लोग देखेंगे, स्कूल कभी नहीं देखे थे, स्कूल जाते थे बुजुर्ग लोग, सीधा तो स्कूल को कहते ही नवान, लेकिन एंडे बाबू एंगापू को बाइबल पढ़ाऊ धड़ी तरी तय करना बची का आराधना को आकोगे अगुआई तय करना को चिल्का पढ़ाऊ तय करना को तम एना परमेश्वर सेना हो रहा थे कि परमेश्वर की बुद्धि और अगुआई के द्वारा से ही वे स्कूल कभी नहीं गए, ना उनको कहीं शिक्षा मिली, लेकिन वे परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाने के द्वारा से ही उनको बुद्धि के माध्यम से बाइबल को पढ़ने, आराधना चलाने, लोगों को सही मार्गदर्शन देने का शक्ति और सामर्थ्य उनको मिलता था। इसलिए आज हमारे लिए बुद्धि को अगर हम लोग प्रेम करेंगे तो क्या कह रहा है, वो हमारा पहरा दे, गार्ड या वॉचमैन वो रहेगा तो हम लोग क्या सोचते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ना। अगर हमारे यहाँ पर सब तरफ पुलिस फोर्स वाले रहेंगे, बंदूक पकड़ के रहेंगे हम लोगों को पहरा देने के लिए, तो हम लोग किसी भी तरह का डर भय या संकट मुसीबत का हम लोग कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन अगर यहाँ खतरा आ गया और हमारे पास उससे मुकाबला करने के लिए कोई चीज नहीं है, तो हम लोग डरेंगे कि नहीं डरेंगे, डर लगेगा ना। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि बुद्धि हम लोगों को क्या करेगा, पहरा देगा। और एक जानवर का बताऊंगा ना, हम लोग मुंडारी में साही, उड़िया में झिंको कहते हैं ना, देखे हैं ना, जंगलों में शायद पहले होते थे। झिंको क्या करता है, कैसे अपने आप को बचाता है, जब संकट या मुसीबत आता है, आप लोग देखे होंगे उसके शरीर में क्या रहता है, नुकीला चीज रहता है ना, ऐसे नुकीला चीज रहता है। और जब कोई समस्या आ गया, वो अपना बचाव या अपना पहरा खुद वो करता है, वो क्या करता, अपना शरीर को फुलाता है और एक ही बार उसको झटक मारता है, और उसके द्वारा से क्या होता है, उसके शरीर में जो नुकीला चीज रहता है वो निकल करके शत्रु को क्या करता है, आक्रमण करता है। इसलिए वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करता है, उसको तो कोई नहीं बताए हैं कि वो यूट्यूब में भी कभी नहीं देखा है कि उसके शरीर में क्या है ना, लेकिन परमेश्वर उसको क्या दिया है, बुद्धि या समझ दिया है, उसके द्वारा से वो उस परमेश्वर का बुद्धि के द्वारा से अपना बचाव खुद कर रहा है, मानो उस बुद्धि उसका पहरा दे रहा है, गार्ड के रूप में है, वॉचमैन के रूप में है। इसलिए आज हमारे लिए कोई दूसरा हमें बचाए, कोई दूसरा हमारी सहायता और मदद करे, उससे बढ़कर परमेश्वर क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास क्या है, बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, तो वही हमारे लिए काफी है कि नहीं है। इसलिए आज के इस संडे स्कूल दिवस में मैं हर एक बच्चों को जो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, माता पिता स्कूल भेजते हैं, हम लोग कभी कभी स्कूल पसंद नहीं करते हैं, हम लोग भी कई बार स्कूल जाते समय आधा रास्ता से लौट करके तीरिल तारो यही सब खाते थे ना, लेकिन शायद परमेश्वर का कुछ अलग योजना था। और वैसे ही बच्चे एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे, दूसरा दिन नहीं जाएंगे,
तीसरा दिन से अगर टीचर गाली देंगे तो वे आगे स्कूल ही छोड़ देंगे, तुमको बुद्धि मिलेगी, ज्ञान समझ कुछ नहीं मिलेगा, तो वे अपने कारण से अपना जीवन को क्या करेंगे, समस्या में डालेंगे। इसलिए आज सभी बच्चों से मैं आह्वान करूंगा जो स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, आप लोगों को जीवन में एक ही बार मौका मिलता है, क्या पाने के लिए, बुद्धि पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, समझ पाने के लिए। तो आप लोग माता पिता की आज्ञा को मानिए। पांचवी आज्ञा में क्या कहा, माता पिता का आज्ञाकारी बनना है और परमेश्वर का भय मानना है, वहीं से हमारे जीवन के लिए क्या मिलेगी, बुद्धि और ज्ञान और समझ। एक बार नीति वचन एक उसका सात को पढ़िए, चलिए आप ही लोग पढ़िए नीति वचन एक उसका सात। चलिए किसको मिला नीति वचन एक उसका सात, हाँ उधर बाबू सामने आ जाइए, वो पीछे वाला। तो मैं आयुब 28:28 बाहर करो, इसलिए सब कोई बाइबल लाइए ना, आप लोगों का पॉम्पलेट में लिखा हुआ है नीति वचन एक उसका सात। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ठीक, धन्यवाद। यहाँ नीति वचन एक उसका सात में क्या कहा, यहोवा का भय मानना वो बुद्धि का मूल है। आसो आगे आसो, और आगे सेकेंड लाइन में क्या कहा, कौन लोग उस बुद्धि और ज्ञान या शिक्षा को तुच्छ जानते हैं, मूढ़ लोग कहा ना, डोंडो हड़ो को। तो आज हम लोग बुद्धिमान बनना चाहेंगे कि मूर्ख बनना चाहेंगे, क्या बनना पसंद करेंगे बच्चे, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान बनना है तो क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना है। ठीक है, और एक वचन हम लोग देखेंगे आयुब 28 उसका 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है, आमीन। ठीक, धन्यवाद। यहाँ क्या कह रहा है, परमेश्वर का भय मानना यही क्या है हमारे लिए, बुद्धि। और जब बुद्धि हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बुराई से दूर रहेंगे। हमारे खालखो पादरी आज्ञा बार बार बोल रहे हैं कि वचन सुनने के लिए सब कोई आ जाइए, लेकिन बहुत कोई सुन के भी क्या कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं ना। तो आज हमारे लिए अगर बुद्धि मिल रहा है तो हमें क्या सही काम करना है, क्या अच्छा काम करना है, वो समझ मिलता है ना। अगर हम लोग संडे स्कूल दिवस मनाने आए हैं तो सबसे पहला हम लोगों का क्या होना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए ना, कि कहाँ रहना चाहिए। समझ की बात तो वही है कि हम लोगों को यहाँ सबसे पहले होना जरूरी है, यहाँ जो भी बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसको सुनना है, सीखना है, वही तो हो गया बुराई से दूर रहना। और अगर हम लोग इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे, इधर उधर किसी से भेंट मुलाकात करेंगे, तो जो यहाँ अच्छी बात आप लोगों को बता रहे हैं उससे हम लोग क्या हो जा रहे हैं, वंचित हो जा रहे हैं ना। वो शिक्षा हम लोगों को मिलेगा दोबारा नहीं मिलेगा, मैं गलती से आ गया ना, पॉम्पलेट में मेरा नाम भी नहीं था, इसलिए मैं दोबारा तो गलती से नहीं आऊंगा, आऊंगा। इसलिए ये जीवन में एक बार समय आता है, एक बार अवसर आता है। तो आज संडे स्कूल के बच्चों को और युवा संघ के युवाओं को और जितने भी माता पिता यहाँ बैठे हैं, सबों को मैं यही आह्वान करूंगा कि हम लोग सभी को उस बुद्धि को पाने के लिए क्या करें, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। हम लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। अगर हमारा मोबाइल का बैटरी या चार्ज खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं ना, हम लोग उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, तब वो फिर से चार्ज होता है। तो जब जब हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, हम लोग अपने आत्मिक जीवन में क्या करते हैं,
वैसे ही रिचार्ज होते हैं, हम लोगों का आत्मिक जीवन चार्ज हो जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए अपने जीवन में जहां भी आपको मौका मिलेगा परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, बुद्धि ज्ञान और समझ को प्राप्त कीजिए, वही आपके जीवन के लिए एक नमूना और आदर्श होगा। और अगर आज आप उस बुद्धि ज्ञान और समझ को तुच्छ समझ रहे हैं तो कल आप अपने माता पिता के लिए कलंक का कारण भी बनेंगे, माता पिता को बदनाम भी करेंगे, माता पिता का जो नाम वे कमाए हैं उसका आप लोग ठोकर का कारण भी बनेंगे। एक छोटा सा उदाहरण बता के मैं खत्म करूंगा। जब हम लोग आम गांव में रहते थे, एक परिवार के बच्चे वे संडे स्कूल कभी नहीं आते थे, और जब उनका पिताजी बोलते थे कहाँ ये संडे स्कूल नहीं जी सो, तो उनका बच्चों का कहना था कि संडे स्कूल थी कहाँ मिल सी, संडे स्कूल थी कहाँ मिल सी, कुछ नहीं मिलता है ना, मिलता है ना। तो धीरे धीरे जब वे बड़े हो गए, वो लोग जिसको हम लोग पवित्र शादी कहते हैं, उससे पहले अपना मन पसंद से वो लोग क्या लेके आए, लड़की लेके आए और छोटी सजा में बैठे, उसके बाद उनका शादी होता है। तो माता पिता के लिए गर्व का कारण होता है कि थोड़ा शर्मिंदा वाला कारण होता है? वैसे माता पिता खुश होते हैं नहीं। तो अगर आज हम बुद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे, वचन सीधे सीधे कहा ना कि बुद्धि को प्राप्त करना वो बुराई से दूर रहना है। बुद्धि अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग वही करेंगे, संडे स्कूल थी काना मिल सी, ईश्वर के नजदीक ही नहीं आएंगे, बुद्धि नहीं पाएंगे, तो अंत में माता पिता का जो भी इज्जत है उसको भी हम लोग बदनाम करने वाले होंगे। इसलिए आज हम लोग वैसा नहीं, परंतु आज हम लोग वचन या मूल विषय जो हम लोगों को कह रहा है कि अगर हम लोग बुद्धि को प्रेम करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए क्या होता है, अच्छाई को लेकर के आता है, परमेश्वर का आशीष को लेकर के आता है और हमारा जीवन को सुंदर और शोभायमान बनाता है। इसलिए सभी कोई उस बुद्धि को प्राप्त करने का कोशिश करें और बुद्धि को पाने के लिए परमेश्वर की संगति में आए, और परमेश्वर की संगति में आकर के हम लोग वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर हम सबों को बुद्धि और ज्ञान देगा और हम लोग अपने जीवन को बुराई से दूर करेंगे और सबों के लिए एक नमूना और आदर्श का जीवन बनाएंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत हद का गहरा आशीष देवे, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, शिक्षा और समझ के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आज के इस वचन के माध्यम से बुद्धि की महत्व को जानने और समझने के लिए तूने सिखलाया, और साथ ही बुद्धि अगर हमारे जीवन में होता है, बुद्धि को हम लोग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो उसके द्वारा से हमारे जीवन में किन किन बातों को हम लोग हासिल करते हैं, इन सारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास किए। होने दे प्रभु, यहाँ जितने भी माता पिता भाई बहन बच्चे उपस्थित हैं सबों को तो अपनी स्वर्गीय आत्मा से बुद्धि ज्ञान और समझ शक्ति दे कि सभी के अपने जीवन को सही दिशा में निर्माण कर सकें, सभी के अपने जीवन में तेरे आशीष और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें और सभी के अपने जीवन को सुंदर और शोभायमान बना सकें। इसलिए वचन की आशीष सभी बच्चों को, जवान युवतियों को, माता पिताओं को तो बहुत आज से उंडेल दे और सबों को अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ा। यही दिन निवेदन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर ले, आमीन।